जो आज का आपने चिकित्सा परामर्श केंद्र लगाया है, शिविर जो लगाया है, उसके बारे में कुछ बताएं आप। देखिए, सबसे पहले तो महात्मा गांधी जो हॉस्पिटल है उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज सहयोग करके और हमारे जो यहाँ की जो टीम है, हमारे नागरिक सुरक्षा केंद्र के जो पदाधिकारीगण हैं, हमारे आदर्श बाज़ार व्यापार मंडल के लोग हैं, नवयुवक मंडल के लोग हैं, इन सब लोगों ने मिलकर के, स्थानीय लोगों ने मिलकर के आज यह जो कैंप लगाया है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि कोरोना के बाद में हमने देखा कि लगातार कई कम उम्र के जो लोग हैं उनकी अचानक चलते चलते और एकदम से बिना बीमार हुए अचानक मृत्यु हो रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि कोरोना के बाद के अंदर डायबिटीज और बीपी, ये एक इस बीमारी का ज़्यादा प्रकोप हुआ है जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि सामान्य तौर के ऊपर ऐसा होता नहीं है तो वो चलता रहता है। तो यह जो परामर्श केंद्र हुआ है इसके माध्यम से एक बार व्यक्ति को समझ में आ जाए कि भाई मेरे में अगर बीपी की प्रॉब्लम है कि शुगर की प्रॉब्लम है कि कोई प्रॉब्लम है, ऐसी छोटी मोटी समस्याओं का निराकरण हो जाए, और यह मेरी नज़र में ये बहुत बड़ा राहत जनता को मिल रही है। और सबसे बड़ा सहयोग इसमें जो है वो हमारे यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं और यहाँ के जो स्थानीय हमारे जो दिनेश गौड़ हमारे पार्षद हैं वो हैं, हमारे नरेश शर्मा पार्षद हैं, और हमारे जो आसपास के जो सारे पार्षद हैं बीजेपी के हैं और बाकी सब लोग वो मिलके, और यहाँ पर आदर्श बाज़ार व्यापार मंडल के लोग, उन सब लोगों ने मिलकर के आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने के लिए यहाँ पर शिविर में कौन कौन सी जानकारी उपलब्ध है? देखिए, इस तरह के जो चिकित्सा शिविर हैं ये हम लोग इसलिए आयोजित करते हैं महात्मा गांधी अस्पताल, फिजिशियन हमारे साथ जुड़े होते हैं, ऑर्थोपेडिक्स जो के ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर की जांच होती है, ईसीजी की जांच होती है, और इसमें फिजिशियन हमारे साथ जुड़े होते हैं, ऑर्थोपेडिक्स जो सर्जन्स हैं वो जुड़े हैं, गायनेकोलॉजिस्ट जुड़ी हुई हैं, और नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं वो अपनी स्टेटस को पता भी करते हैं और अपनी बीमारियों का, चाहे वो दवा या फिर आगे फर्दर ऑपरेशन पड़े कोई और फर्दर ट्रीटमेंट हो, तो उन सबकी एक अपॉर्चुनिटी एक मिलती है इस तरह के शिविरों के माध्यम से कि मुझे ये पता लगे ब्लड प्रेशर मेरे है या नहीं है, नहीं है तो मैं रिलैक्स हो सकता हूँ, और अगर है तो मुझे ज़रूर अपने सेहत के बारे में बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद की जो स्थिति है अनकंट्रोल्ड जो ब्लड प्रेशर है वो कहीं ना कहीं फिर किडनी डिजीज़ हार्ट डिजीज़ और ब्रेन तक को नुकसान देता है। तो हमारा जो उद्देश्य है समाज में जागरूकता फैलाने का है। बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड आप क्या देखते हैं पेशेंट में, ऐसे क्या आप लोगों को नज़र आती है अलग चीज़? कि पहले कोविड के बाद जो पोस्ट कोविड जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, चाहे वो कार्डियक डिजीजेज में हो, विजन तक में हो, और सुनाई में कान तक की समस्याएं लोगों को देखने को मिल रही है। तो ये इम्पैक्ट तो है, पर यह है कि अगर हम जागरूक रहते हैं तो इन सब पर समय रहते कंट्रोल कर सकते हैं और इसका इलाज भी करा सकते हैं। इस इम्पैक्ट को कैसे दूर किया जाता है एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए? देखिए, अगर स्वस्थ जीवन शैली है तो आप देखिए योग हमारे दिनचर्या का आदिकाल से हिस्सा रहा है। योग करें, व्यायाम करें, कसरत करें, मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक करें, सैर करें, मतलब ये बहुत ज़रूरी है, और थोड़ा सा मानसिक चिंतन ध्यान करें, इन सब से हम न केवल हमारी मानसिक व्याधियों को दूर कर सकते हैं बल्कि अगर मन में शांति है तो हमारी काया को भी जो कई तरह की डिजीज़ हैं ब्लड प्रेशर वगैरह, तो इनका असर गुस्से का जो है हमारी स्किन डिजीज़ पे भी असर रहता है। तो अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इनके बारे में सोचना चाहिए और छोटे छोटे प्रयास हैं, सैर करना है, समय पर मान लीजिए जाँच करा रही, इस तरह के कैंप हुए, बीपी शुगर ईसीजी की जांच करा दी, कहीं डॉक्टर ने रिकमेंड किया तो आगे की जांच करा ली, तो उससे क्या होगा कि बीमारी का समय रहते पता लगेगा, इलाज करा सकते हैं। आप देखिएगा कैंसर इतनी बड़ी गंभीर बीमारी है, अगर देरी से पता लगता है तो 20% इलाज सक्सेस रेट होती है, और अगर यही शुरुआत में पता लग जाए तो 85-85-90% तक उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसका निवारण किया जा